आज है, लेकिन तब वो एक मेंटर के नीचे थे। अब वही स्वभाव वही है, प्रेयर वही है, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो मेंटरशिप का मसा उनकी लाइफ से छोड़ के जा चुका है। जब एक अंगीठी में से कोयला निकाल दिया जाता है, कोयले को लगता है मैं तो अंगीठी में से निकल गया, अभी भी गर्म हूँ, लेकिन जब वो ठंडा होता है, उसे मालूम होता है कि अभी मैं अंगीठी में था, जब मैं उस धधकती हुई भट्टी में था मैं गर्म था, लेकिन जब मैं उस संगति से निकला हूँ अब मैं ठंडा हो गया। और शैतान बड़ी कोशिश करता है आपको संगतियों से दूर करने की, बड़ी कोशिश करता है जीवित चर्च से आपको दूर रखने की। कहीं ना कहीं वो किसी वॉलंटियर का दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर आपके साथ बहस कर लेगा, कभी वो आपका दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर के साथ बहस पड़ेंगे, क्योंकि वो जीवित चर्च में ही ऐसे कामों को क्यों करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो अनॉइंटिंग के नीचे है, वो जीवित चर्च के नीचे है जिसमें परमेश्वर का मसा है। परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया, वो दर्शन के तहत मैं चल रहा हूँ, अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे वो उस दर्शन के कारण ब्लेस होंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं भी उस दर्शन के कारण आशीषित हो रहा। आज तक कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, कोई कब्जा नहीं कर पाया, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर पाया। रीजन ये नहीं कि मेरी प्रार्थना ज्यादा है, रीजन ये है कि परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ के ऊपर है, और आपकी लाइफ में भी वो पूरा होगा जब आप उस विजन से जो परमेश्वर ने मुझे दिया जुड़ जाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई दुश्मन आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस दर्शन, इस सेवकाई के नीचे हैं। कोई शैतान आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस विजन के नीचे। मैंने कहा आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने बनाया। आप इसे, मैं भी चाहूं तो इसे अलग नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि प्रभु मुझे सेवा नहीं करनी, मैं बिजनेसमैन बन जाता हूं, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, तभी चर्च को सपोर्ट करूंगा, तो परमेश्वर का नहीं, उस स्ट्रक्चर में मैंने तुझे नहीं बनाया। तेरी बुलाहट अलग है, किसी की बुलाहट है काम करना, किसी की बुलाहट है अधीन रहना, किसी की बुलाहट है गाना, किसी की बुलाहट है काम करना। आपकी आशीष बड़ी तगड़ी है अगर आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेंगे और लगातार उसमें बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। बुलाहट को पकड़ लेंगे और लगातार उसमें बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल करना चाहता है, क्योंकि वो आपकी जनरेशंस को सुधारना चाहता है। कुछ लोग इसको जल्दी ले लेते पड़ा कि मैं 2 साल में सेवा में हूं, मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, मेरे तो घर अभी भी तंगी के साथ चल रहा है, मैं 3 साल से सेवा में हूं। लेकिन परमेश्वर का विजन बड़ा लंबा है, उसका दर्शन बड़ा लंबा है, क्योंकि अगर आप सेवा में खड़े रहना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा तगड़ा विजन और बड़ा तगड़ा फेथ चाहिए होता है। और बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपकी लाइफ आपको फ्रूटफुल नहीं लगती, मेरी भी ऐसे सेवा में मुझे लग रहा कि मेरी पर्सनल लाइफ फ्रूटफुल नहीं, क्योंकि मैं चर्च से कुछ लेता नहीं था, लेकिन किस चीज ने मुझे संभाल के रखा कि बाइबल कहती है कि आप बांध दृढ़ है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस वचन ने मुझे संभाल के रखा कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैं किसी इंसान के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहा हूं, और परमेश्वर कहता है, कोई इंसान नहीं कह रहा, जो भूल जाएगा मुकर जाएगा, परमेश्वर कह रहा है कि उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया।